गांव में शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत हो रहा था। गांव में सभी लोग एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे और हमेशा खुशहाल रहते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक भयानक घटना घटी। गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति मिस्टर कुमार की हत्या कर दी गई। मिस्टर कुमार की मौत ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने जांच शुरू की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने डिटेक्टिव अजय को बुलाया जो अपनी चतुराई और सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध था। डिटेक्टिव अजय ने तुरंत मामले की जांच शुरू की। मैं इस मामले को सुलझाऊंगा, हमें इस हत्या का रहस्य सुलझाना होगा। उसने मिस्टर कुमार के घर का दौरा किया और वहां के हालात का निरीक्षण किया और कुछ अजीब से संकेत भी मिले। उसने नजदीक से देखा कि एक कुर्सी पर कुछ खून के धब्बे थे। हमें पहले यह पता करना होगा कि मिस्टर कुमार के साथ कोई दुश्मनी थी या नहीं। वह सबसे पहले मिस्टर कुमार के परिवार से मिला। मिस्टर कुमार की पत्नी सुमित्रा और उनका बेटा रवि शोक में थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे पति अब हमारे साथ नहीं हैं। उनका कोई दुश्मन नहीं था। पिताजी के साथ किसी के झगड़े की खबर नहीं थी, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। कल रात मैंने पिताजी के ऑफिस में कुछ अजीब बातें सुनी थी। डिटेक्टिव अजय ने इस जानकारी के आधार पर मिस्टर कुमार के व्यापारिक साझेदारों से पूछताछ की। हमारे बीच कभी कोई विवाद नहीं हुआ। मिस्टर कुमार के साथ व्यापार में सब कुछ ठीक चल रहा था। मुझे भी नहीं पता कि किसके साथ उनका झगड़ा हो सकता है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि हम सभी उनकी मौत से बहुत दुखी हैं। डिटेक्टिव अजय को यह बात समझ में आई कि शायद कोई बाहरी व्यक्ति इस हत्या का जिम्मेदार हो सकता है। उसने गांव में कुछ संदिग्ध गतिविधियों की जांच की। उसे पता चला कि मिस्टर कुमार की हत्या के दिन एक अजनबी आदमी गांव में आया था। हमें इस अजनबी आदमी की पहचान करनी होगी। डिटेक्टिव अजय ने उस अजनबी आदमी को ढूंढ निकाला जिसका नाम राकेश था। राकेश ने स्वीकार किया कि वह एक व्यावसायिक विवाद के कारण गांव आया था। मैं सच में हत्या के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ एक वाणिज्यिक मुद्दे के बारे में बातचीत करने आया था। डिटेक्टिव अजय ने राकेश की बातें सुनी और उसे छोड़ दिया क्योंकि उसके पास हत्या से संबंधित कोई ठोस सबूत नहीं था। अब डिटेक्टिव अजय ने सोचा कि शायद हत्या का कारण घर के भीतर ही था। उसने मिस्टर कुमार के घर के सभी कर्मचारियों से पूछताछ की। मैं पिछले कई सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, मैंने कभी भी किसी को शिकायत करते हुए नहीं देखा। जब डिटेक्टिव अजय ने भोलू की बातों की जांच की तो उसे एक पुरानी दराज में कुछ चिट्ठियां मिली। इन चिट्ठियों में लिखा था कि मिस्टर कुमार के खिलाफ एक बड़ी कानूनी लड़ाई चल रही थी। डिटेक्टिव अजय ने चिट्ठियों की गहराई से जांच की और पाया कि मिस्टर कुमार की एक कानूनी सलाहकार प्रिया ने उसे धमकियां दी थी। प्रिया को कॉल करके डिटेक्टिव अजय ने उसे बुलाया। मैंने मिस्टर कुमार को धमकी दी थी लेकिन मैं हत्या में शामिल नहीं हूँ। डिटेक्टिव अजय ने प्रिया की बातों को सुना और पाया कि प्रिया की बातें पूरी तरह से सही थी। उसने मिस्टर कुमार के घर में कुछ और गहराई से जांच की और पाया कि उनके अलमारी में एक गुप्त दरवाजा था। डिटेक्टिव अजय ने रिकॉर्ड से पता लगाया। हमने आखिरकार सच का पता लगा लिया। इस हत्या के पीछे मिस्टर कुमार का खुद का कर्मचारी भोलू है। भोलू ने कर्ज के कारण उनकी हत्या की है। भोलू ने हत्या को स्वीकार कर लिया और उसकी सच्चाई सामने आई। डिटेक्टिव अजय की सूझबूझ और मेहनत ने गांव में शांति बहाल की। मिस्टर कुमार की हत्या के मामले को सुलझाकर उसने गांव वालों को न्याय दिलाया।